हाय एवरीवन, मैसेल्फ ठाकुर उदयवीर सिंह फ्रॉम स्पेसेस आर्किटेक्ट्स। लास्ट सीरीज में हमने बात की थी आपकी फाउंडेशंस के वक्त क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, और मैं आपसे एट द सेम टाइम ये भी बात कर रहा था कि कई बार लेवल डिफरेंसेस आते हैं साइट पे, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो अगर ये पर्टिकुलर साइट पे जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे साइट का रोड से बहुत लेवल डाउन है, तो मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में वो भी डिटेल में दिखाऊंगा। बट अभी मेरा मकसद है, जो यहाँ पे मैं आपको खड़े होकर आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि जब डिगिंग होगी हुई है तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या होना चाहिए। जब फाउंडेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी स्ट्रक्चर या जो हमारी टेक्निकल ड्राॅइंग्स में आई हुई हैं, जो लास्ट सीरीज़ में मैंने आपको पढ़ने के लिए सिखाई हैं, उस हिसाब से जब हम फाउंडेशन की डिगिंग कर चुके हुए हैं, तो नेक्स्ट सबसे पहले क्या होना चाहिए, PCC डलना चाहिए, जो सैंड एग्रीगेट्स और सीमेंट का एक 1:5:10 का रेशियो होता है, उस रेशियो के हिसाब से डलना चाहिए। उसकी रेशियो कैसे होनी चाहिए, कंक्रीट की रेशियो कैसे होनी चाहिए, वो हम एक अलग वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे। अभी जो मकसद है, PCC कैसे डलनी चाहिए। अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 4 इंची या 5 इंची आई हुई है, तो उसका बेस आप देख सकते हो 4 इंची 5 इंची डल गया हुआ है। और एट द सेम टाइम जहाँ कॉलम्स कास्ट होने हैं, हमारी कॉलम लोकेशन ड्राइंग आती है, कॉलम चेक ड्राइंग आती है, ये दोनों ड्राइंग्स को देख के कॉलम्स की कास्टिंग सही जगह पे लग गई है, उसका देसी लैंग्वेज में कहते हैं कि साल वगैरह चेक कर लेना चाहिए कि ये कॉलम सीधा होना चाहिए, अलाइनमेंट टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। और जब वो सारा फाइनल हो जाए, उसके बाद जो आपको मैं बता रहा था कि नीचे जाल बजता है सरिये का, जिसकी हमने डिनोशंस रखी हुई हैं अपनी टेक्निकल ड्राइंग्स में, और ये नीचे वाला जाल बिछ चुका हुआ है और उसका ऊपर वाला भी बिछ चुका हुआ है, और ये जो कॉलम है उसकी लेग्स बन चुकी हुई हैं, तो ये लेग्स बाइंड हो जाएंगी ये वाले जाल के साथ, और जो डी, स्मॉल डी और कैपिटल डी की जो डिमेंशन है वो साइड से आएंगी, और उसके ऊपर फाउंडेशन कास्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो एक्सप्लेन करूँगा कि वो कॉन्क्रीटिंग के वक्त क्या ध्यान देना चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि यहाँ स्टील की प्लेट्स लगी हुई हैं, अभी फिक्स नहीं हुई हैं, यहाँ पे स्टील की प्लेट्स लगेंगी प्रॉपर, जो प्रॉपर वेल्ड हुई होनी चाहिए, जो हिल ना सके। जनरली मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रेक्टर्स क्या करते हैं कि उसको वेल्ड नहीं करते हैं, वो पीछे से ईंटों की सपोर्ट दे देते हैं, और जब कॉन्क्रीटिंग होगी तो वो अपनी जगह से बाहर निकलेगी। जब वो अपनी जगह से बाहर निकलेगी तो वो कॉन्क्रीटिंग में वाइब्रेटर नहीं प्रॉपर चलेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, वॉइड्स आएंगे, तो पैर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। फाउंडेशन में कॉन्क्रीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% लोग कहते हैं फाउंडेशन तो नीचे ही रह जाएगी, दिखेगी नहीं, बट टेक्निकली अगर फाउंडेशन में ही हम स्ट्रेंथ नहीं अचीव कर पाए, तो ऊपर जाके कैसे अचीव करेंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी दिखाऊंगा सारा प्रोसेस, कॉन्क्रीटिंग कैसे होती है, उसका जो जर्नली क्या होता है, वो एंगल स्ट्रेट आना चाहिए। मोस्टली वो कर्व्ड एंगल बना देते हैं, गुंबद की तरह बना देते हैं, जिससे वो स्ट्रेंथ पे भी डिफरेंस आता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अभी जैसे आप जाल देख रहे हो, ये जाल है, ये ब्रिक का नीचे सपोर्ट लगाई हुई है, ये ब्रिक की सपोर्ट ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग नहीं होनी चाहिए। कॉन्क्रीट के बीच में अगर ईंटों के पीसेज रह गए, तो कहीं ना कहीं हम क्वालिटी के साथ, वर्कमैनशिप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इसकी जगह कोटा स्टोन वर्टिकल खड़ा कर दो, उसकी सपोर्ट बना दो। कंक्रीट कवर्स आते हैं, जैसे मैंने स्लैब में भी आपको एक्सप्लेन किया कि स्लैब में कैसे कंक्रीट कवर या कोटा स्टोन यूज़ होना चाहिए, सेम वेज फाउंडेशन की कंक्रीटिंग के वक्त भी हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और कहीं पे भी वर्कमैनशिप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फाउंडेशन की कॉन्क्रीटिंग कैसे होनी चाहिए, कॉलम्स की कॉन्क्रीटिंग कैसे होनी चाहिए, मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। होपफुली आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा, और अगर आपको लगता है कि आपका कोई जानकार अभी घर शुरू कर रहा है और फाउंडेशन स्टेज पे है, उसको ज़रूर शेयर करना। हमारी दी हुई शायद छोटी सी कोई भी नॉलेज उनके किसी काम आ सके। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।